का पापा कितना रुपया जीते हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ जीते हैं? और आप उस पैसे का क्या करिएगा? घर बनाएंगे। पूरे दिन फोन नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो तो सही बात है। देखिए पूरे दिन, अभी जानते क्या होता, पूरे दिन तो भैया काम करते हो। आप अपना करियर बनाइए, ड्रीम इलेवन कहीं भाग नहीं रहा है, पूरी जिंदगी पड़ी है ड्रीम इलेवन खेलने के लिए। लेकिन पिछले 5 सालों में लगभग 4 से 5 लाख रुपए मैं इसमें डुबा चुका हूँ। इसमें तो 70 लाख आ चुका है, 30% जो है वो कट जाता है जो गवर्नमेंट का टैक्स है, 1 करोड़ में से। नमस्कार दोस्तों, अभी हम सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड में हैं और यहाँ का छातापुर का एक लाल ने बहुत बड़ा किया है कमाल। आइए उनसे हम मिलाते हैं जो कि ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ पाए हैं, और उस व्यक्ति से हम अभी मिलाने वाले हैं और इनसे पूछते हैं किस तरह से और किस तरह का मेहनत ने इसका आज रंग लाया है। आइए हम पूछते हैं। सर पहले तो अपना नाम बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम पवन मेहता है और छातापुर का निवासी, सुपौल जिला, वार्ड नंबर 12। अच्छा ये बताइए आपने किस तरह से मैं अपना मेहनत किए कि और आप 1 करोड़ ड्रीम इलेवन में जीते हैं? ड्रीम इलेवन लगभग मैं पिछले 5 सालों से खेल रहा हूँ और मेहनत इसके पीछे बहुत है। ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन या 2 दिन की मेहनत है, 5 सालों का मेहनत है जिसके पीछे मैंने लाखों रुपए भी डुबाया है। और बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये बिना मेहनत का नहीं होगा। तो हर टीम लगाने से पहले या हर मैच में टीम लगाने से पहले मैं 1, 2 या 3 घंटे का इसमें मेहनत मेरा लगता था। हर टीम के मेंबर के बारे में जानकारी हासिल करना, हर प्लेयर के बारे में एनालिसिस करना, बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, हर चीज़ के बारे में सारा डिटेल निकाल करके फिर मैं टीम लगाता था। अच्छा, और आप जिस दिन जो टीम लगाए, जिस दिन आप 1 करोड़ का मतलब आप जो आप ड्रीम इलेवन में आए थे, उस दिन आप कितने टीम लगाए थे? उस दिन मैं 20 टीम लगाया था। अच्छा। और 20 टीम में मेरा 18 नंबर का टीम जो है वो 1 रैंक पे आई थी। अच्छा, तो और आप ये बताइए अभी जो आपके 1 करोड़ में आपको कितना परसेंट करके कितना रुपये आपके खाते में आए? 1 करोड़ में जो है 30% कट जाएगा, यानी कि 30 लाख रुपए कट जाएगा, जिसमें से 70 लाख जो है हमारे अकाउंट में, हमारे वॉलेट में आ चुका है ऑलरेडी, बट अकाउंट में अभी नहीं आया है, मैंने ट्रांजेक्शन में डाल दिया है, वो 2-3 दिन का टाइम लेता है, वो आ जाएगा। बहुत आदमी ये सोचते हैं, कहने के लिए तो यूँ कह देते हैं कि 1 करोड़ रुपए आए हैं, आप इसके मतलब जानिए कि अभी ये भैया कितना दिन से अपना मेहनत किए हैं और कितने दिन के बाद इनको सफलता मिले हैं और 1 करोड़ लाए हैं। अभी इनसे हम पूछते हैं, आप भैया कितना दिन से आप इस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं? मैं पिछले 5 सालों से इसमें खेल रहा हूँ। अच्छा, 5 सालों से खेल रहे हैं, तो आप अभी तक में कितना रुपये आप इसमें मतलब कितना रुपये आपके बेनिफिट भी हुआ, कितना रुपये आपका अभी तक में डूबे हैं इसमें? कई बार जो है 2-3 बार मैं अच्छे रैंक पे आया भी हूँ, 10, 12, 13 रैंक, 15 रैंक पे ऐसे पे पहुँचा भी हूँ, मतलब लगभग 80 लाख मेंबर में, तो जिसमें से 9,500 करके मैं 2-3 बार जीता भी हूँ। वहीं से मुझे लगा कि मैं और अब आगे अच्छा कर पाऊँगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो गया। लेकिन पिछले 5 सालों में लगभग 4 से 5 लाख रुपए मैं इसमें डुबा चुका हूँ। और अभी जैसे कि आप गांव में रहते हैं या बाहर में रहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ छुट्टियों में यहाँ आता हूँ, पर्व त्यौहार में सिर्फ अपने गांव आता हूँ, बेसिकली मैं बाहर में रहता हूँ, जयपुर में। जैसे कि अभी आप जिस बहुत तरह का लड़का ऐसा है जिस जो ड्रीम इलेवन के बारे में बहुत कम नॉलेज है उसके, लेकिन जैसे आप अभी 1 करोड़ रुपया लाए हैं, बहुत लड़का ऐसे देख कि ऐसे लगेगा कि हम भी लगा देंगे तो हमारा भी 1 करोड़ कहीं किस्मत आ जाए, चमक जाए, हमारा 1 करोड़ आ जाएंगे, लेकिन उसको बारे में ड्रीम इलेवन के बारे में उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो लगा लेते एक दिन में 8-8, 10-10 मतलब जो टीम लगाते हैं, लेकिन वो सब पैसे गंवा देते, उसको आप क्या बताना चाहिए? नहीं, इस तरीके से आप लोग टीम नहीं लगाइए, टीम ऐसे नहीं लगता है। आप अगर एक टीम ही लगा रहे हैं तो वो भी करोड़ रैंक 1 आ सकता है। इसके पीछे आपको टीम का लॉजिक, टीम का एनालिसिस और हर एक प्लेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप इसके पीछे पहले 2-3 घंटे का टाइम दीजिए, हर टीम में हर प्लेयर को किस तरीके से रोटेट करना है, किस तरीके से रखना है, वो सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कौन से प्लेयर का परफॉर्मेंस अभी अच्छा चल रहा है, कौन आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, ये सब आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। पहले ये सब एक डाटा निकालिए, उसको एक नोट कीजिए, उसके बाद आप एक बेहतरीन टीम बनाइए, तब जा कर के कुछ उम्मीद हो सकती है। ये तुक्के वाली चीज़ नहीं है कि हमने लगा दिया और 1 करोड़ जीते।
जैसे कि सर बहुत आदमी का ऐसे भी है जो कि बच्चा छोटे छोटे हैं, वो बच्चा भी ड्रीम इलेवन में कहीं ना कहीं उसको मतलब लग चुका है, और वो बहुत सारे रुपया अपने पापा के पैसे चुरा लेते हैं, अपनी मम्मी को पैसे चुरा लेते हैं। कई बार ये समस्या मैं देखा हूँ बहुत जगह, मेरे एक गाँव का भी बच्चे ड्रीम इलेवन में लगाते हैं, बच्चे चुरा करके अपनी मम्मी को पैसा लगा अकाउंट में डलवा करके ड्रीम इलेवन में लगा लेते हैं। अब आठ दस ड्रीम इलेवन में टीम लगाते हैं, उस बच्चे के बारे में आप क्या बताइए उसको? नहीं, ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि पहली बात कि आप अभी उस लायक नहीं हो, आपको पहले अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आप अपना कैरियर बनाइए, ड्रीम इलेवन कहीं भाग नहीं रहा है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है ड्रीम इलेवन खेलने के लिए। पहले अपना कैरियर पे फोकस कीजिए, उसके बाद टीम लगाने से पहले आप पहले क्रिकेट का नॉलेज पहले गेन कीजिए, नॉलेज लीजिए क्रिकेट के बारे में। और टीम कैसे लगाते हैं, कप्तान और वाइस कप्तान कैसे चुनते हैं, इसका नॉलेज पहले यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, आप वो सब वीडियो देखिए, नॉलेज लीजिए। उसके बाद आप एक दो टीम लगाइए, वो भी घर से के चुराए पैसे से नहीं लगाइए, आप अपनी सेविंग्स में से लगाइए, जो आपके पास 100, 200, 500 पड़े हैं बस वो लगाइए। घर के पैसे लगाएंगे हारते रहेंगे और एक दिन बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप किस तरह से मतलब कुछ हमारे दर्शक को बताइए, किस तरह से आप टीम लगाए थे और आज इस तरह से आपको 1 करोड़ आपके अकाउंट में आए, ताकि हमारे दर्शक भी कुछ समझ सके किस प्रकार से आप टीम लगाए थे। देखिए ड्रीम इलेवन में खेल में एक दिन में एक्सपीरियंस नहीं होता है और आपको एक दिन में नॉलेज नहीं होगा। मैं इतने सालों से खेलने के बाद, हारने के बाद, तब जा कर के मुझे इसके बारे में एक्चुअल में नॉलेज मिला कि कैसे टीम लगाना चाहिए, प्लेयर को कैसे चूज़ करना चाहिए। 20 टीम में ज़रूरी नहीं है आपका 20 टीम सेम होना चाहिए, 20 टीम में हर प्लेयर अलग अलग रहेगा, कैप्टन अलग रहेगा, वाइस कैप्टन अलग रहेगा, और हर टीम में एक अलग तरीके का लॉजिक होना चाहिए। कई बार बैट्समैन चल जाता है बॉलर नहीं चलता है, कई बार बॉलर चल जाता है बैट्समैन नहीं चलता, कई बार दोनों नहीं चलते हैं तो ऑलराउंडर चल जाता है। तो आपको हर तरीके का मिक्स टीम बनाना होगा, ज़्यादा नहीं बनाइए, 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा मत बनाइए शुरुआती में। जब आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिले, आप अच्छे लेवल पे 49 लगा के आप 100 रुपये जीत रहे हैं, 49 लगा के आप 500 जीत रहे हैं, ऐसे लेवल पे आप पहुंचना अगर शुरू हो गए हैं, तब जा कर के आप टीम की क्वांटिटी बढ़ाइए, इससे पहले नहीं बढ़ाइए। बाकी आप देख सकते हैं ये इसका नाम मतलब पवन कुमार मेहता है, ये छतापुर के रहने वाले हैं जो कि ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ जीते हैं। अभी आपके अकाउंट में अभी तक मतलब विड्रॉ करके पैसा कितना आया, मतलब अकाउंट में या अपना वॉलेट? नहीं, वॉलेट में तो 70 लाख आ चुका है, 30% जो है वो कट जाता है जो गवर्नमेंट का टैक्स है, 1 करोड़ में से 30% कट गया, 30 लाख कट गया, तो 70 लाख वॉलेट में 10 मिनट के बाद आ जाता है, और 10 मिनट के बाद उसे हमने विड्रॉल पर लगा दिया, तो वो एक दो दिन में वो आ जाएगा। और मैं अभी भावी है, कुछ इनसे पूछना चाहते हैं, और किस प्रकार से अपना आपका नाम बताइए पहले। रिंकी कुमारी। और अगर भैया जैसे कि ड्रीम इलेवन में गेम लगाते थे तो आप इसको फोन ऊन करते थे, जैसे बाहर रहते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती थी क्या? नहीं, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि हम फोन करते थे तो हम ऐसे कोई समस्या नहीं। तो जैसे भैया अभी जैसे घर पे हैं, अभी 1 करोड़ जीते हैं, तो आपको कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो आज जैसे कि आप फोन करते थे फिर तो आपको गुस्सा आता था, लेकिन आज पैसे आने के बाद पहले बोल देते थे मुझे मत करना 8:30 बजे तक फोन। आज तो आप बहुत खुश होंगे ना, आज इतना हम गुस्सा पहले करते थे आज, लेकिन उस चीज तो चेंज हो गया। हर बात के लिए थोड़ा ना गुस्सा किया जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी गुस्सा हो जाते थे। पूरे दिन फोन नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो तो सही बात है। देखिए पूरे दिन अभी जानते क्या होता है, पूरे दिन तो भैया काम करते होंगे, और रात को टीम लगाते होंगे या दिन में टीम लगा जाते चेक करते हैं, आप फोन करेंगे तो तभी टीम में देखेंगे कि आपसे नहीं। उसके बाद 8:30 बजे के बाद करते थे, ऐसा नहीं है, करते थे 10 बजे रात तक। चलिए ठीक है, ये हमारे भाभी जी इसका मतलब पत्नी है और ये बच्चे है। आपका पापा कितना रुपए जीते हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ जीते हैं, और आप उस पैसे का क्या करिएगा? घर बनाएंगे। घर बनाइएगा, अच्छे अच्छे कपड़े बोलिएगा पापा को ला देने के लिए, और खिलौना बोलिएगा ला देने के लिए। बोलिए अच्छा अच्छा गाँव को खिलौना ला दीजिए, ला देगा ना पापा? बोलिए अभी पापा को, बोलो खिलौना ला दो हमको खेलने के लिए। वैसे भी ला देते हैं पापा तुमको हर चीज़ ला देंगे। और ये उसका पापा जी है, इनसे हम मिलाते हैं। और अपना नाम बता दीजिए पापा जी। मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद मेहता। अच्छा,
विजेंद्र प्रसाद मेहता इसके पापा जी है। और आज कितना खुशी आपका महसूस हो रहा है, आपका लड़का ने 1 करोड़ जीते हैं? मुझे तो काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि इसका तो बचपन से ही ये खेल के प्रेमी थे, बचपन से ही कि ये क्रिकेट खेलते थे, और ये छोटे छोटे खेत में खेलते खेलते जो है ना मैंने जिला से ऊपर तक भी गए थे, और उसके बाद कुछ गांव के भी लोग मैंने इनका बड़ाई करते थे, कभी कभी हम डांट फटकार भी देते थे जैसा काम मत करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तो ये पढ़ने में भी तेज था, कभी जिंदगी में ये जब तक पढ़े सेकंड नहीं किए हैं। इसका जो है कि बचपन से इसका दिमाग तेज थे, इसीलिए आज भी जो मुकाम पर इन्होंने पहुँचा है, हम छोटा मोटा परिवार, हम लोगों का सारा मतलब सामंजस्य परिवार चलता है। आपका लड़का ने ऐसा काम किया है पूरा छातापुर नहीं और दूसरा जिला से पूरा बिहार में, आप इसका नाम जो है कि मतलब ऊंचा हो रहा है कि नहीं? हसन छातापुर का नाम तो ऐसे ऊंचा हो ही रहा है, पूरा गांव में इसका पिताजी का भी नाम ऊंचा हो रहा है, तो इसके लिए अपना मतलब गांव के तो आशा करेंगे कि जो मेरे जैसा पुत्र और किसी को हो जो मतलब देश का नाम ऊंचा करे, जिस तरह से इन्होंने किया है, हम आशा करेंगे ऐसे पुत्र बहुत सारे पैदा हों और देश का नाम ऊँचा करें, और इनसे तो हम लोग गौरवान्वित हैं ही, है ना। जब आपको जैसे कि पवन भैया जब कॉल किए होंगे कि पैसा इतना आए हैं, तो आप उस समय आपको कितना खुशी महसूस हो रही? काफ़ी खुशी महसूस हुई, और उन्होंने थोड़ा सा घबराया हुआ था, तो मैंने उसको सांत्वना दिया जो घबराने की कोई बात नहीं है, पैसे तो ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं, वो तो मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन ब्रेन को थोड़ा सा स्थिर रखो, कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने उसको समझा दिया और वो समझ करके आ गया था हम लोग। तो भैया आप आगे जो आपका पैसे जैसे आपके खाते में आ गए, तो आगे आप क्या पैसे क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो अपने माता पिता का जो सपना है वो पूरा करना है, और जो कि एक अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, अच्छी लाइफ वो देनी है सबसे पहले अपने परिवार को, वो मेरी प्रायोरिटी है, वो पहले करना है। समझ सकते हैं आज बहुत खुशी की बात है। चलिए ये तो भैया तो अपना मतलब घर उर बनाएंगे और अच्छी तरह से घर बनाएंगे, माँ और पापा को अच्छी तरह से उसका सपना पूरा करना है, लेकिन हमारे गांव के और हमारे प्रखंड के खुशी की चीज़ है आज, क्योंकि हमारे छातापुर एक हर जगह इसका चर्चित हो रहा है कि पवन जी हमारे छातापुर में एक ऐसा मिसाइल कायम किया है जो कि 1 करोड़ ला करके छातापुर का नाम ऊँचा कर रहे हैं। अभी आप देख रहे थे हम तक न्यूज़, मुकेश कुमार, जय हिंद, जय भारत।